क्या हाल है आप लोगों का। क्या आप भी बेस्ट स्मार्टफोन चाहते हैं 15,000 रुपए के बजट के अंदर? तो उस वीडियो को देखते रहिए। और इन सभी स्मार्टफोन्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां पे क्लिक करके आप इन स्मार्टफोन्स को खरीद भी सकते हैं। तो हे गाइस, मैं उत्सव हूँ एंड वेलकम टू यू टेक। लेनोवो के 8 प्लस, इसके दो मॉडल आते हैं। 3GB रैम वाला आता है 10,999 रुपए का, और 4GB रैम वाला मॉडल आता है 11,999 रुपए का। दोनों ही वर्जन में 32GB की स्टोरेज आती है। यह आता है 5.2 इंच के फुल एचडी डिस्प्ले के साथ, और इसका हाईलाइटिंग फीचर है इसका कैमरा 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। लेकिन एक्चुअल में जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो इस स्मार्टफोन की उतनी सही नहीं है। इसके अंदर आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है और मीडियाटेक का P25 प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन परफॉर्मेंस भी इस फोन की ज़्यादा अच्छी नहीं है दूसरे स्मार्टफोन से, और जो बैटरी लाइफ है उसका आइडियल बैटरी ड्रेन ज़्यादा है। यह स्मार्टफोन आता है एंड्रॉयड के 7.1.1 नोगट के साथ, लेकिन इसके अंदर आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो काफ़ी कम देखने को मिलेंगे क्योंकि लिनोवो की तरफ से आता है, उसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर है। लेकिन अच्छी बात इस फोन के अंदर यह कि इसके अंदर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिल जाता है। तो 11,000 रुपये में ये ठीक ठाक फोन हो सकता है, लेकिन इससे अच्छे फोन भी मार्केट में मौजूद है। अब बात करते हैं लेनोवो के 8 नोट के बारे में। तो लेनोवो के 8 नोट के दो मॉडल आते हैं। 3GB रैम 32GB वाला आता है 12,999 रुपए का, और 4GB रैम 64GB वाला आता है 13,999 का। यह आता है 5.5 इंच के फुल एचडी डिस्प्ले के साथ, और जो कैमरा दिया गया वो दिया गया 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का। जो इस कैमरा की क्वालिटी है वो एवरेज है, लेकिन अच्छी बात यह कि इसमें पोर्ट्रेट मोड मिलता है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का हीलियो X23 है, जिसमें आपको गेमिंग काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन ओवरऑल इस प्रोसेसर की खराब बात यह कि आइडियल बैटरी ड्रेन ज्यादा है। जब आप फोन को यूज नहीं करते तो ये फोन बैकग्राउंड में आपकी काफी बैटरी खा जाता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है प्रोसेसर के साथ। और मीडियाटेक के प्रोसेसर है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट भी आपको काफी कम देखने को मिलेंगी। ये स्मार्टफोन इनिशियल यूज के लिए अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म यूज के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। 4000mAh की बैटरी ठीक ठाक बैटरी बैकअप दे देती है, पर जैसा कि मैंने बोला आइडियल बैटरी ड्रेन ज्यादा है। और ये एंड्रॉइड नोगट के साथ आता है जो कि स्टॉक है, और डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी है इसमें, लेकिन अपडेट जो है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। अब आता है इस साल का सबसे पॉपुलर फोन Redmi Note 4। Redmi Note 4 आता है 5.5 इंच के फुल एचडी डिस्प्ले के साथ। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 625 मिलता है, जो इस साल की काफ़ी अच्छी प्रोसेसर चिप है। और ये स्मार्टफोन अभी एंड्रॉइड नोगट पे अपडेट हो गया, और MIUI का 9 का अपडेट भी इसे मिल चुका है। और 4000mAh की बैटरी इसमें मिलती है, तो 4000mAh की बैटरी काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर दी थी। 2 से 2.5 दिन ये फोन चल जाता है। स्नैपड्रैगन 625 अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, लेकिन इस फोन के साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, तो ये फोन चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगाने वाला है। और इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि आप इसके अंदर 2 सिम यूज कर ले, या 1 सिम या 1 माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर ले। एक और नेगेटिव पॉइंट है इस स्मार्टफोन का कि इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है रियर में, जिसकी क्वालिटी बहुत ही एवरेज है, कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। सेल्फी के लिए भी 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन ओवरऑल अच्छी बात इस फोन की है कि इसके अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और इसके अंदर आपको बैटरी लाइफ काफी कमाल की देखने को मिलती है। तो जो अगला स्मार्टफोन है वो है मोटो G5 प्लस। उसके अंदर आपको 4GB रैम और 32GB वाला मॉडल 14,000 रुपए में देखने को मिलता है। 5.2 इंच फुल एचडी स्क्रीन के साथ आता है, 3000mAh की बैटरी को सपोर्ट करता है, और ये बैटरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, तो ये अच्छी बात है। और ये आता है स्टॉक एंड्रॉइड 7.1.1 नोगट पे, और इसके अंदर अपडेट आएंगे, लेकिन मोटोरोला ने प्रॉमिस किया, लेकिन कब आएंगे वो क्वेश्चन करने वाली बात है। हाईलाइटिंग फीचर इस फोन का ये कि इसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का F1.7 अपर्चर का कैमरा देखने को मिलता है। तो जो कैमरा का हार्डवेयर है वो डुअल नहीं है, वो सिंगल लेंस ही है, लेकिन जो कैमरा की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। 15,000 के कम के प्राइस में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और 1080p 60fps की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दे देता है, और स्नैपड्रैगन 625 के साथ आपको काफी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो मोटो G5 प्लस है वो काफी अच्छा फोन है, स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, कैमरा काफी अच्छा है, पर डुअल कैमरास नहीं है इस फोन के अंदर, तो वो इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि पोर्ट्रेट इमेजेस जो कई स्मार्टफोन्स ले सकते हैं वो नहीं ले पाएगा ये। अब बात करते हैं इसके अंदर Mi Max 2 की। ये एक स्पेशल फोन है इस कैटेगरी में, क्योंकि 6.44 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। इसका 4GB रैम 32GB वाला मॉडल 13,999 पे अवेलेबल है, और 12 मेगापिक्सल का कैमरा है जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है। इसके अंदर आपको 5,300mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि काफी बड़ा लंबा बैटरी बैकअप दे देती है, और एंड्रॉइड 7 नोगट पे चलता है, और MIUI 9 का अपडेट इस फोन के अंदर जल्दी आने वाला है। ये एक स्पेशल स्मार्टफोन है जिन लोगों को बड़ी स्क्रीन चाहिए, जो लोग मल्टीमीडिया का कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, या फिर जो लोग ऑनलाइन ज्यादा वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों के लिए स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 625 भी देखने को मिलता है, और इसके अंदर आपको कोई भी लैग और हैंग देखने को नहीं मिलता। इस फोन
क्योंकि चार्जिंग का टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन फास्ट चार्जर बॉक्स में इन्होंने नहीं दिया है। अब बात करते हैं मोटो G5S प्लस के बारे में। ये फोन 16,000 का आता है, जो कि 15,000 से 1,000 रुपए ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर आपको डुअल कैमरा देखने को मिलते हैं 13 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल के, और ये जो फोटोग्राफ्स ले पाता है ये पोर्ट्रेट मोड, जो बैकग्राउंड ब्लर वाली इमेजेस है उन्हें काफी अच्छे से ले पाता है, लेकिन जो नॉर्मल फोटोग्राफ्स होती है वो पुराना वाला मोटो G5 प्लस भी ले सकता था। ये फोन भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और 1080p 60fps को सपोर्ट करता है, स्नैपड्रैगन 625 के साथ आता है, स्टॉक एंड्रॉइड नोगट आता है, तो परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है इस फोन के अंदर। इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है, जो कि आता है फ्रंट फ्लैश के साथ, तो ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन इसके अंदर बैटरी है वो 3000 mAh की, तो वो आपका एक दिन आराम से निकाल लेगी, लेकिन अगले दिन आपको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात ये कि फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिलता है, तो ये ओवरऑल काफी अच्छा डिवाइस है इस प्राइस के अंदर। यहाँ पर मैं कुछ ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा उन फोन्स के जो इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, जैसे ऑनर का 6X, क्योंकि ऑनर का 6X डुअल कैमरा के साथ आता था, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता था, लेकिन बिल्ड क्वालिटी उस फोन की अच्छी नहीं थी। और ऑनर 7X भी जल्दी इंडिया में रिलीज होने वाला है। लेनोवो P2 ये 5000 mAh की बैटरी के साथ काफी अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलती थी, और ये OLED स्क्रीन के साथ आता था, तो आपको डिस्प्ले भी काफी अच्छा देखने को मिलता था, लेकिन इस फोन का कैमरा काफी वीक पॉइंट था। अब बात करते हैं जो बेस्ट फोन है इस प्राइस में, वो है MI A1। ये 15,000 के अंदर बेस्ट फोन है, ये आता है 4GB रैम और 64GB के साथ, और सबसे बड़ा इसका फीचर है स्टॉक एंड्रॉइड, क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड है और इसे गूगल डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के अंदर, तो आपको इसके अंदर मंथली सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेंगी। तो जब ये स्मार्टफोन रिलीज हुआ था इसके अंदर काफी इश्यूज थे, तो कई सारे इश्यूज को इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स कर दिया, वो अच्छी बात है। हाल ही में इसका जियो का जो नेटवर्क फ्लक्चुएशन का इशू था उसे भी फिक्स कर दिया गया है। इसके अंदर आपको 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है। इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। ये आता है 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ, जिसमें जो दूसरा 12 मेगापिक्सल का सेंसर है वो एक जूम लेंस है, और जिससे आप जूम वाली इमेजेस को ले सकते हैं, और इसके अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी काफी अच्छी इमेजेस को कैप्चर कर पाता है। ये ओवरऑल स्मार्टफोन उन लोगों के लिए रेकमेंड किया जाता है जो लोगों को अगर वीडियो रिकॉर्ड करना है तो ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है, और स्नैपड्रैगन 625 के साथ आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस फोन के अंदर देखने को मिलती है। और ये गूगल की तरफ से आता है, तो उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का सपोर्ट भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा, यानी हर महीने अपडेट देखने को मिलेंगी, और एंड्रॉइड ओरियो जो है वो भी अगले 1 से 2 महीने के अंदर इसके अंदर आपको अपडेट में मिल जाएगा। और जब ये लॉन्च हुआ था तब इसके अंदर काफी सारे सॉफ्टवेयर के इश्यूज थे, कई जगह लैग होता था, हैंग हो जाता था, फ्रीज हो जाता था, नेटवर्क फ्लक्चुएशन होता था, तो कई सारे इश्यूज इन्होंने अपडेट से फिक्स कर दिए हैं, और जो इश्यूज अभी तक फिक्स नहीं हुए हैं उन्हें आने वाली अपडेट्स में फिक्स कर दिया जाएगा। इसके अंदर आपको 3080 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है इसके अंदर, और ये बैटरी आपका एक दिन इजीली निकाल लेगी। ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है 15,000 के बजट में, क्योंकि आपको ठीक ठाक कैमरा देखने को मिलता है, एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, और हर महीने सॉफ्टवेयर अपडेट का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ये काफी अच्छी चीज है इस फोन के लिए। दोस्तों मैंने इन सारी स्मार्टफोन्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पे जाके इन स्मार्टफोन्स को खरीद सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे मैं ऐसे ही काफी अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में। सत्यमेव जयते।